खाइए ना। अरे रोशनी आपने भी कुछ नहीं खाया, बैठिए। ये देखिए, तो रोशनी की फेवरेट है कचोरी। अरे समोसे। बहुत टेस्टी है। और ये खीर, अरे इसकी फेवरेट है। मजा आ गया, इतना टेस्टी खाना मैंने लाइफ में नहीं खाया। तुमने इतना सारा खाना इतनी जल्दी खा लिया? हाँ सब खत्म हो गया। अरे आपको पता नहीं है, खाने के मामले में ना मेरी लाडो का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे पता है, जब से रोशनी हमारे घर में आई है, हमारे घर में कोई खाना जाया नहीं जाता। हाँ। है ना। कभी कभी तो इतना खा लेती है कि किसी के लिए कुछ बचता ही नहीं। पता नहीं आपके लिए बचेगा नहीं बचेगा। नूडल्स, नूडल्स तो रही गया रोशनी। हाँ वो तो मेरे फेवरेट है। नूडल्स लेके आता हूँ मैं। नूडल्स इसके फेवरेट है। ओ इतने अच्छे गरम गरम नूडल्स। ला 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 नूडल्स, ये रोशनी। हाँ वाओ। नूडल्स आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? रुको, ये मैं खाऊंगी। अरे लीजिए आप। अमन रोशनी का प्लान काम कर गया। अब जल परी खाना खाते ही फूड कोमा में चली जाएगी। हो गया? पान खाएंगी? गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं डर। बच्चा कह रहे हैं तुम्हारा। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। अमन रोशनी, जल्दी से उसके हाथ से मोती निकालो ताकि तुम दोनों की और रेहान की पावर्स वापस मिल सके। आराम से। मैं एलिमेंट में ढूंढती हूँ कि तुम दोनों की और रेहान की पावर्स वापस कैसे मिल सकती है। जल्दी था किसी
हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी कीजिए। हाँ बस मैं वही ढूंढ रही हूँ। अम्मी इस मुई मछली की वजह से ना कुछ नहीं खा पाए, प्यास के मारे तो मेरा गला सूखा जा रहा है। बस कर बेबी। बहुत टेस्टी हो। कैसे गई? पानी की एक खासियत पता, वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता। जिसे उसकी जरूरत होती है उसके पास आ जाता। आप लोगों को 15 मिनट दिए थे मैंने, पूरे हुए। ये तो जिन्नों के जानों का दरवाजा है। अब तुम लोगों का खेल खत्म। अब तुम लोगों का खेल खत्म। नहीं अरमान, 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 नहीं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे अपनी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेबी को मत लेके जाओ प्लीज। हमारी बात सुन, अरमान को हमें दे दो, तुम जाओ तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। मैं चलता हूँ, मैं जिन्नात का बादशाह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अरमान को यही छोड़ दो, अरमान का तुम क्या करोगे? हम दोनों तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर देंगे। बस इस बेचारे को कुछ मत करो। तुम इसको मारना क्यों चाहती हो? किसने कहा मैं इसे मारना चाहती हूँ? तो फिर क्या करना चाहती हो? क्या मतलब तुम्हारा मारना? तुम लोगों को सच में नहीं पता। क्या नहीं पता? यही कि इसकी असली जगह ये दुनिया नहीं, जिनों का जहन्नम। जिनों का जहन्नम मतलब कि ये अगला काला जिन है। ये अगला काला जिन। काला जिन? ये क्या बोल रही हो तुम? काला जिन क्या मतलब? काला जिन? सीधी सी बात, जो काले जिन को मारता है वही उसकी जगह लेता है। तुम्हारे बेटे ने काले जिन को मारा तो अब ये अगला काला जिन बनेगा। तो अब ये अगला काला जिन बनेगा। क्या नवाब साहब, आप तो जिन्नात के बादशाह इतना भी नहीं जानते? खैर अपने बेटे को आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि अब ये काला जिन बन के लौटेगा। नहीं देखो देखो प्लीज ऐसा मत करो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम तुम जो बोलोगे करने के लिए तैयार हैं। मेरा बच्चा मुझे दे दो। Thank you.
भाई हमें पता चल गया कि ब्लैक होल को बंद कैसे करना है। कैसे? झुमरू के पास कीकी की चाबियां हैं, जिनसे ये जिन का जन्म का दरवाजा बंद हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पोर्टल तो कितना बड़ा है, क्या उसने इसे मोती से खोला था? जल्दी से वो मोती ढूंढिए, वही की होल है। तब तक मैं चाबी ढूंढता हूँ। सब मोती ढूंढे। झुमरू जल्दी। हाँ कर तो रहा हूँ। अमन, वो सोफे के नीचे देख। जल्दी झुमरू, प्लीज प्लीज जल्दी करो, नहीं तो हनुमान को अंदर ले जाएगी। प्लीज जल्दी कीजिए। झुमरू जल्दी। झुमरू, अगर आज तुम नहीं होते तो हम अपने बच्चे को बचा नहीं पाते। थैंक यू। ये लीजिए आपकी शक्ति, आप इस मोती को छुएंगे तो आप सबको अपनी अपनी शक्तियां मिल जाएंगी।
यहाँ ना आओ। की जिनकी गुफा में गए थे और वहां उसको काले जिन ने बड़े से पिंजरे में कैद करके रखा था और इतने सालों से कैद रहने की वजह से वो पागल हो गया और हमें देखते ही उसने अपनी जान दे दी। और वहां हमें ये चुमरू मिला। चुमरू के पास कीकी जिनकी चाबियां थी जिनमें से एक चाबी से जिन्हों के जहन्नुम का दरवाजा बंद होता है। झुमरू तुम उस गुफा में क्या कर रहे थे? बेटा तुम्हें वहां किसने कैद किया? काले जिन ने। मेरे अब्बू ने मुझे काले जिन को बेच दिया था। काले जिन ने वहां कीकी उस्ताद और मुझे भी कैद करके रखा था। बेटा तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? पता नहीं, बस इतना पता है कि काले जिन ने मेरे बदले उनको बहुत सारे पैसे दिए थे। चुमरू आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आप हमें ही अपना परिवार समझो। एंड काले जिन से भी डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो मर चुका है। और अब आप हमारे साथ हमारे पास रहेंगे। सच्ची? सच्ची। अब आप भी हमारे परिवार का हिस्सा है। रिहान सर झुमरू को देख के इतना परेशान क्यों है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।